Welcome back to Academy of Biology and it's me Sachin Ante. So guys, in body fluids and circulation, last time we have studied the mechanism of urine formation. तो यूरिन फॉर्मेशन में आपने देखा था कि कई जगहों पे आपका ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है। तो आप उसी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन के हम कंट्रोल को देखेंगे कि किन कंडीशंस में आपका सीक्रेशन होता है और किन कंडीशंस में आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉर्मोनल रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन तो देखो आज हम इसका हार्मोनल रेगुलेशन देखने वाले। तो यूरिन फॉर्मेशन में मेनली आपने कुछ एक स्पेसिफिक चीजें थी जिनका रीअब्सॉर्प्शन या सीक्रेशन होता है। उसमें था आपका सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और आपका वाटर। तो इन्हीं चीजों का आपका रीअब्सॉर्प्शन या फिर सीक्रेशन होता था। तो इनके रीअब्सॉर्प्शन या फिर सीक्रेशन के लिए मेनली हमारे पास पांच हॉर्मोन्स है, फाइव हॉर्मोन्स फॉर रेगुलेशन। इनके रेगुलेशन के हमारे पास है पांच हॉर्मोन्स। तो उन हॉर्मोन्स को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हॉर्मोन है आपका ATH या जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। देखो ATH होता है आपका एंटी डाइयूरेटिक हॉर्मोन। फिर उसके बाद है आपके रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और लास्ट में है आपका एएनपी या जिसको कई जगहों पे आप एएनपी की जगह एएनएफबी मिलेगा आपको। ये एएनपी होता है आपका एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। अगर एफ है तो हो जाएगा आपका एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। तो ये आपके पांच हॉर्मोन्स। तो देखो जो आपका एडीएच या जिसको बोलते हैं एंटी डाइयूरेटिक हॉर्मोन, एक तो आपका ये हॉर्मोन ठीक है, और जो आपके ये तीन हॉर्मोन है रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, ये इसको अलग मान लीजिए एक बार एक मिनट के लिए। अब इन तीनों को देखो, ये तीनों हॉर्मोन आपके मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, रास मैकेनिज्म। डिटेल में जब देखेंगे सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जो आपका रास मैकेनिज्म है और जो आपका एडीएच है, ये आपका तब फंक्शन करते हैं जब आपकी ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाए। तो ये अगर ब्लड की वॉल्यूम कम है तो उस ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने के लिए ये आपका फंक्शन करेगी। तो एक मतलब इनका फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का फंक्शन होगा टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। फिर उसके बाद जो आपका एएनएफ या एएनपी आता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये आपका जब फंक्शन करता है जब आपकी ब्लड वॉल्यूम काफी ज्यादा हो, तो उसको कम करवाने के लिए आपका एएनपी फंक्शन करता है। एएनपी क्या फंक्शन करता है, टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ये आपकी ब्लड वॉल्यूम को कम करवाता है ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका एडीएच को। तो देखते हैं फर्स्ट है हमारा एडीएच या जिसको बोलते हैं हम वैसोप्रेसिन ठीक है। तो जो आपका एडीएच होता है ये आपका सिंथेसाइज तो होता है आपकी हाइपोथैलेमस में, सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सिंथेसाइज ये आपका हाइपोथैलेमस में होता है, फिर ये आपका हाइपोथैलेमस से आपकी न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिया जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें इसको पहुंचा देते हैं। फिर जो इसका सीक्रेशन होता है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम बोलते हैं आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो हार्मोन सिंथेसिस कहाँ होता है, सिक्रेट कहाँ से होता है वो पता चल गया। अब इसका जो फंक्शन होता है वो देखते हैं क्या होता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन है टू स्टिमुलेट एच टी ओ रीएब्जॉर्प्शन। ये आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि किन कंडीशंस में आपका जो ADH है वो सिक्रेट होगा। तो ADH के सिक्रेशन के लिए कंडीशंस कौन सी होती है, जो चीजें आपके ADH सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। तो उसमें हो सकता है आपका डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। जब आपकी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो वो ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज किन किन रीजंस की वजह से होती है, या तो हो सकती है वो हीमोरेज की वजह से, या दूसरा आपका हो सकती है आपकी बॉडी में वाटर की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से, डिक्रीज्ड वाटर लेवल इन बॉडी, या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, या फिर बॉडी से ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए। तो इन वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लड की जो वॉल्यूम है वो कम हो सकती है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो ये चीजें आपकी ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकती है। फिर अब इसका आगे का मैकेनिज्म देखते हैं, फंक्शन क्या होती है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। तो मान लीजिए आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गई आपकी ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो अल्टीमेटली इसके साथ आपका बीपी भी फॉल करेगा, ब्लड प्रेशर इससे आपका डिक्रीज हो गया। तो जो आपका ये डिक्रीज है ब्लड वॉल्यूम में एंड द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इससे क्या होगा, जो आपके हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, तो इसको डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम को कौन डिटेक्ट कर लेंगे, डिटेक्ट बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। तो इस डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम को आपके हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे देखो और रीजन हो सकता है डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम का, वो हो सकता है आपका इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी सिंपली क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट कितने हैं उसी चीज को हम बोल देते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी यानी कि आपकी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो इससे क्या होगा, जो आपका H2O है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपका H2O का रीअब्सॉर्प्शन सिक्रेट किया जाता है। तो वो मैकेनिज्म अब हम देख रहे हैं कि वो सिक्रेशन कैसे, मतलब रीअब्सॉर्प्शन कैसे किया जाता है। तो किसी तरह से अगर आपके ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से आपका बीपी भी फॉल करेगा, उस चीज को आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेंगे जो कि आपके हाइपोथैलेमस में है। ये मान लीजिए ये आपकी हाइपोथैलेमस, ये आपकी पिट्यूटरी, यस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस में आपका प्रोड्यूस होता है ADH। इस ADH को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपकी न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ये है
न्यूरो हाइपो फाइसिस। देखो जब हमने पोर्टर सिस्टम्स पढ़े थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका आपकी हाइपोथैलेमस और आपकी पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टर सिस्टम होता है जो कि आपके हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को डायरेक्टली आपके पिट्यूटरी में पहुंचा देते हैं। तो जो वेन कैरी करती है हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को पिट्यूटरी तक उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो आपका जो एडीएच है हाइपोथैलेमस से आपके यहाँ पे आ गया न्यूरो हाइपोफाइसिस में, दिस इज योर एडीएच, ये एडीएच यहाँ पे आ गया। फिर यहां से जो है आपका एडीएच हो जाएगा ये डायरेक्टली भेज दिया जाएगा आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम, इसको आपकी ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या होगा, देखो ये है आपका मान लीजिए डीसीपी, सारा ड्रॉ कर लेते हैं, डीसीपी अकेले से काम नहीं चलेगा, कोई आपको डाउट ना रहे इसीलिए हम सारा का सारा नेफ्रॉन दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में आपका प्रेजेंट है एडीएच। तो अब ये एडीएच क्या करेगा, आपके डीसीटी के एंड वाले पार्ट से और आपके एंटायर कलेक्टिंग डक्ट में ये आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। अब वो वाटर रीअब्सॉर्प्शन कैसे करवाएगा, जो आपका डीसीटी का एंड वाला पार्ट है और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स, ये है आपके प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, और इसी के साइड में मान लीजिए ये है आपकी पेरिट्यूबुलर कैविटी इन सेल्स के पास। जो आपके प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह से वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वेस ये है आपकी वेसाइकल्स, और इन वेसाइकल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ प्रोटीन्स, ये ग्रीन कलर से मान लीजिए हमने दिखाए आपके प्रोटीन्स। ये आपके प्रोटीन्स कौन से हैं, एक्वापोरिन 2, एक्वापोरिन्स 2, ये आपके ये एक्वापोरिन्स 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके होते हैं चैनल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो आपकी वेसाइकल्स है इनमें एक्सोसाइटोसिस होगा और जो आपके प्रोटीन से रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होके ये आपके प्रिंसिपल सेल्स की मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे और इस तरह से ये आपका चैनल फॉर्म कर देंगे, ये होगी चैनल फॉर्म। इसी तरह से आपका सब जगह ये आपके मेम्ब्रेन में चैनल फॉर्म कर देंगे। इन चैनल फॉर्म होने से क्या होगा, जो आपका H2O का ट्रांसपोर्ट है, दिस इज H2O, आपका H2O का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की तरफ, यानी कि जो आपका ADH है उसने स्टिमुलेट कर दिया रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द पेरिट्यूबुलर कैविटी। ये आपका नेफ्रॉन के आपके प्रिंसिपल सेल्स हैं जिनमें से आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है पेरिट्यूबुलर कैविटी में, तो इस तरह से ये आपका क्या इंक्रीज करवा देते हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहां क्या हो गया, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया। अब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में हुआ है तो उससे क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन से होगा आपकी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, आपकी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी इससे अल्टीमेटली आपका बीपी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन बीपी, और इस तरह से आपकी ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जाता है। तो ये आपकी होगी कहानी। फिर देखो इसमें कुछ एक चीजें और हैं, एक हो सकती कंडीशन जब आपकी एब्सेंस हो एडीएच की, अगर आपका एडीएच एब्सेंस हो जाए उसका सीक्रेशन ना हो तो उससे क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मोर वाटर इन यूरिन, लॉस ऑफ मोर वाटर इन यूरिन, वहां पे पानी का बहुत ज्यादा लॉस होगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस सिंपली आपका क्या है,
दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर शुगर लेवल्स. डायबिटीज इंसिपिडस आपका शुगर लेवल से कनेक्टेड नहीं है. इट इज सिंपली द एक्सक्रीशन ऑफ मोर वॉटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एडीएच. ADH की कमी की वजह से जब ज्यादा पानी एक्सक्रीट आउट हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका डायबिटीज इंसिपिडस. और जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है इसमें साथ में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, पोलीयूरिया. पोलीयूरिया क्या होता है? इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया इन लेवल, इंक्रीज्ड यूरिया इन यूरिन. आपके यूरिन में बहुत ज्यादा, मतलब जो यूरिया के नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोलीयूरिया. तो यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी. और इसी के साथ हमारा जो ADH है उसका मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हुआ और इसने आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया. अब इसके बाद आपका दूसरा मैकेनिज्म आता है एंजियोटेंसिनोजन वाला. ये था आपका फर्स्ट मैकेनिज्म, ऑलरेडी यहां से लिख चुके. तो सेकंड मैकेनिज्म देखते हैं, इरेज कर लेते हैं पहले इसको. तो देखो सेकंड मैकेनिज्म है आपका रास मैकेनिज्म. रास मैकेनिज्म, तो देखो रास मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज आर फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम. यह है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. तो इसमें क्या होता है देखो, सिंपली कंडीशन इसमें भी वही होगी, आपका बीपी का लेवल कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम होगी. अगर आपकी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इससे आपका बीपी डिक्रीज होगा. ठीक है, बीपी डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होने से क्या कम हो जाएगी? आपकी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो बीपी की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाती है. तो जो आपके जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके एफरेंट आर्टेरियोल में, वो आपके रिड्यूस, जो आपके GFR में कमी आती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. तो GFR आपकी क्या होगी? कम. तो दिस डिक्रीज इन GFR, फॉल इन GFR डिटेक्टेड बाय जेजी सेल्स. तो देखो जेजी सेल्स के में के बारे में बताया था. जेजी सेल्स आपके क्या होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं आपके जेजी सेल. तो आपके देखो जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जेजी सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एफरेंट आर्टेरियोल में. तो मान लीजिए यह है आपका एफरेंट आर्टेरियोल और यह है आपके जेजी सेल्स. ये कुछ इस तरह से मान लीजिए या आपके जेजी सेल्स. तो इन जेजी सेल्स ने आपका GFR में कमी हुई है जो उसको डिटेक्ट कर लिया और इसके रिस्पांस में आपके जेजी सेल्स सिक्रीट करेंगे रेनिन. जेजी सेल सिक्रीट रेनिन. इन्होंने क्या सिक्रीट करना शुरू कर दिया? रेनिन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया. फिर जो आपका रेनिन होगा, अब ये रेनिन क्या करेगा? आपका रेनिन का फंक्शन देखते हैं. उससे पहले मान लीजिए ये है आपकी लिवर, ये आपकी इस तरह से लिवर है. लिवर ठीक है, तो लिवर में जो आपके हिपेटोसाइट्स होते हैं, हिपेटोसाइट्स, ये आपके हिपेटोसाइट्स आपका प्रोड्यूस करते हैं एंजियोटेंसिनोजन. ठीक है, जो आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है ये आपका 485 अमाइनो एसिड्स का एक पेप्टाइड होता है. इट इज अ पेप्टाइड ऑफ 485 अमाइनो एसिड. तो जो आपका रेनिन होगा वो आपका रेनिन आपके एंजियोटेंसिन पर एक्ट करेगा
और इस एंजियोटेंसिन को ब्रेक करवा देगा। ब्रेक किस तरह से करवाएगा, मान लीजिए आपका एक 485 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, तो इसमें से ये एक 10 अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड सेपरेट आउट करवा देगा और बाकी 475 छोड़ दीजिए। तो जो ये आपका एंजियोटेंसिनोजन को तोड़ के 10 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1। तो यहां पे हमारे पास आ गया एंजियोटेंसिन 1। तो जो आपका एंजियोटेंसिन 1 वो कितने अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, ये है आपका 10 अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड, 10 अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जब आपका रेनिन आपके एंजियोटेंसिन पे एक्ट करके एंजियोटेंसिन 1 फॉर्म करता है। फिर सेकंड स्टेप देखते हैं आपका क्या होता है। ये मान लीजिए ये है आपके लंग्स, दीज आर योर लंग्स, आपके लंग्स प्रोड्यूस करते हैं एस। एस क्या होता है आपका एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये आपका एक्ट करेगा आपके एंजियोटेंसिन 2 पर, ये सॉरी एंजियोटेंसिन 1 पर। आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 पर और यहां पे ये क्या कर देगा, क्लिप्स ऑफ 2 अमाइनो एसिड, क्लिप्स ऑफ 2 अमाइनो एसिड। यहाँ पे आपकी एंजियोटेंसिन जो 10 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड आपका जो एक स्ट्रक्चर है उसमें से 2 अमाइनो एसिड्स को और काट देगा, तो उससे क्या होगा, जो आपका 8 अमाइनो एसिड का जो नया आपका जो हार्मोन फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2। Angiotensin converting enzyme from your lungs clips off 2 amino acids from your angiotensin 1 and form angiotensin 2. तो जो आपका angiotensin 2 form होगा ये आपका 8 amino acids की एक unit होगी। जो आपका angiotensin 2 है ये क्या है, this is active hormone, ये आपका active hormone, active hormone होने के साथ साथ ये है आपका एक powerful vasoconstrictor, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्टर देखो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वैसो यानी कि वैसल कंस्ट्रिक्शन यानी कि उनका कंस्ट्रिक्शन कराएगा, तो ये ब्लड वैसल्स का कंस्ट्रिक्शन करवाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। साथ में ये एक काम और करवाएगा, जो आपका एंजियोटेंसिन है वो आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। आपके पीसीटी से सोडियम का क्लोराइड का और वाटर का ये रीअब्सॉर्प्शन स्टिमुलेट करवाएगा। अब यहां पे खास बात है आपका वाटर, देखो हार्मोन आपका नेफ्रॉन ड्रोमिट हो गया कोई, तो देखो जो आपका वाटर है उसका हमने जो रीअब्सॉर्प्शन देखा था वो मेनली आपके लूपो फैलने में डिसेंडिंग लिम्ब से देखा था। तो आपका एंजियोटेंसिन 2 अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है आपके पीसीटी से। तो इसकी खासियत क्या है, ओनली हार्मोन दैट स्टिमुलेट, only hormone that stimulate reabsorption of water from PCT, reabsorption of water from PCT से, PCT से आपका water का absorption अब तक हमने नहीं देखा था, सिर्फ आपका angiotensin 2 एक ऐसा hormone है जो PCT से water का reabsorption करवाता है, ये आपकी यहाँ पे important चीज है। फिर देखो जो आपका angiotensin 2 होगा अब ये क्या करेगा, जो आपकी मान लीजिए यह है आपकी किडनी, ये किडनी है
और ये किडनी के ऊपर आपकी प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। तो जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होगा ये आपका एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को सिक्रीट करेगा टू प्रोड्यूस टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। तो आपकी एड्रिनल जो ग्लैंड है वो आपका एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगी। तो जो आपका एल्डोस्टेरोन होगा ये क्या करेगा, ये आपका स्टिमुलेट कराएगा, स्टिम्युलेट रीएब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन देख रहे हैं, स्टिम्युलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एंड सीक्रीशन ऑफ के पॉजिटिव इन कलेक्टिंग डक्ट, इन कलेक्टिंग डक्ट। आपका एल्डोस्टेरोन सोडियम और क्लोराइड का तो रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और आपके पोटेशियम का सिक्रीशन करवाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज इन ब्लड, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इससे आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। इससे क्या होगा सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, जो आपका यूरिन है उसमें वाटर लेवल कम हो जाएगा, मतलब आपका जो यूरिन है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां भी आपका सोडियम जाएगा चाहे वो आपका नेफ्रॉन से आपकी पेरिटुबुलर कैपिलरी में जाए या फिर पेरिटुबुलर कैपिलरी से आपके नेफ्रॉन में जाए, सोडियम के पीछे पीछे हमेशा वॉटर जाएगा, ये बात यहाँ पे याद रखनी। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारे क्या हो गया आपका ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ये एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो अब देखो अब क्या होगा, जे जी सेल्स आपके फिर से क्या हो गया आपका डिटेक्ट कर लेंगे कि ब्लड वॉल्यूम ठीक ठाक हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा जो आपका रेनिन का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। रेनिन सिक्रीशन जैसे ही कम होगा, जो आपका ये मैकेनिज्म है वो आपका धीरे धीरे से आपका मतलब अपोजिट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड मैकेनिज्म है वो है आपका, आपका जो हॉर्मोन है वो आपका एएनपी। तो एएनपी को तो यही देख लेते हैं, कुछ उसमें ज्यादा खास है नहीं। तो ए एन पी यानी कि एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड। तो मैंने जैसा ही आपको, जैसा कि आपको पहले शुरू में बता दिया, जो आपका ए एन पी है वो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए काम आएगा, तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज होते क्या होगा, जो आपका हार्ट होगा, जो होगा आपका हार्ट, ये हार्ट हम लिखने की बजाय ड्रॉइंग कर लेते हैं, तो जो आपका ये हार्ट है ये आपका क्या प्रोड्यूस कर देगा, आपका एएनपी। और जो ये एएनपी आपका होगा ये क्या करेगा, ये आपका एल्डोस्टेरोन का और एडीएच का सिक्रीशन बंद करवा देगा, ये क्या कर देगा एएनपी आपका स्टॉप सिक्रीशन ऑफ एएनपी एंड एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन का, और ये आपका एएनपी का सिक्रीशन है उसको बंद करवा देगा। अब एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर को भी अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। तो यही था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। सो गाइस आई हैव होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द माइन्यूट डिटेल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
If you still have any doubt, then you can ask me in the comment section. So stay tuned for the next one.